इस ताल पत्री को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह पेड़ गिरा या गिराया गया। हालांकि इसको देखकर ऐसा लगता नहीं कि यह पेड़ इसके अंदर था। इतना हरा भरा पेड़ और बड़ा पेड़ इस तालपत्री के अंदर था। अगर अंदर था तो यह तालपत्री फटी क्यों नहीं, यह बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर भिवंडी से है। बता दें कि भिवंडी के कासार आली इलाके में सुभाष गार्डन के सामने एक पुराना पेड़ गिरा, जिसके वजह से एक दुचाकी सवार गंभीर रूप से घायल हो चुका है। हम आपको बता दें कि यह पेड़ जब गिरा उस वक्त रास्ते पे कई लोग जा रहे थे, लेकिन दुर्दैववश यहाँ पर एक दुचाकी सवार जो है इस पेड़ के चपेट में आ गया। हालांकि इस पेड़ ने क्षति पहुंचाई है दो दुकानों को, और दो दुकान भी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका भी नुकसान यहां पर हुआ है। सबसे बड़ी बात यह कि यह पेड़ गिरा क्यों और किस वर्ष, हम आपको बता दें कि यह आप देख सकते हैं पास में ही एक गार्डन है, सुभाष गार्डन, उससे लगकर ही यह पेड़ खड़ा था, और पास में ही वहाँ पर एक घेराबंदी किया गया है तालपत्री से, और इस तालपत्री के अंदर यह पेड़ था। हालांकि जब यह पेड़ गिरा उस वक्त तालपत्री को थोड़ा भी क्षति नहीं पहुंची और यह पेड़ सीधे रास्ते पर आ गिरा। हम आपको बता दें कि यह रास्ता हमेशा शुरू रहता है, हज़ारों लोग के आवागमन यहाँ से होती रहती है, और इस वक्त जब यह पेड़ गिरा उस वक्त एक शख्स अपना बाइक लेकर जा रहा था, उसी के ऊपर यह पेड़ गिरी। बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई, लेकिन यह पेड़ क्यों गिरा, कैसे गिरा, यह सवाल या निशानी खड़ा करती है और यह जांच का विषय है, क्योंकि यह तालपत्री को थोड़ा भी क्षति नहीं पहुंचते हुए यह पेड़ बाहर कैसे आया और कैसे गिरा। उसके ऊपर ना गिर जाए नहीं, आशू का तो झाड़ है, ये झाड़ का इंजेक्शन मारा याला पण केस केले आहे भाई, एवढा चांगला झाड का पडणार आहे का। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।